स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। प्रदेश में आने वाले बजट को लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें विभिन्न विभागों के मंत्रियों से सीएम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बार के बजट को लेकर भूपेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आम जनता से भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बजट को लेकर राय मांगी जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस का कहना है, ये बजट सबके हित में है और सभी वर्ग के लिए अच्छा हो, इस वजह से सरकार ये पैतरा अपना रही है। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, बजट के लिए लोगों से राय लिया जाना केवल एक दिखावा है, जबकि बजट जो है पहले से ही तैयार है, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाने के लिए ये तरीका सरकार अपना रही है। इसे साफ करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बताया, हर वर्ष बजट तैयार किया जाता है जो आने वाले एक साल के लिए तय होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, लगभग 11 महीने की सरकार ने जिस तरह पहले लोगों को ये जानकारी दी सभी कार्य आम जनता से राय लेकर किए जाएंगे, उस पर वो खरा नहीं उतर पाए। ऐसे में बजट राय और रार छत्तीसगढ़ में जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक नई पहल की है, वे बजट के पहले मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी संगठनों से बातचीत होती है, लेकिन इस बार आम लोगों से भी, प्रदेश के रहने वाले हर व्यक्ति से सुझाव मांगे गए हैं और इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बड़ी संख्या में सुझाव आ रहे हैं। जहां तक राजेश मूणत जी के बयान का सवाल है कि बजट पहले से तैयार है, मूणत जी को कैसे पता लगा बजट पहले से तैयार है? वो दिन गए जब मूणत जी की बजट तैयार करने में भागीदारी रहती है। मूणत जी इस स्थिति को जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा रहेगा। अब कांग्रेस की सरकार बजट बना रही है, अपने सारे मंत्रियों से, प्रदेश के सारे लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से रायशुमारी करके बजट बनाया जा रहा है। इस संबंध में मूणत जी की आपत्ति निराधार है, तथ्यहीन है और उनकी बौखलाहट ही दिखाती है। आपको क्या काम करना है? आपने अपने जन घोषणा पत्र में जिन बातों को किया है उन बातों को तो पूरा करिए। आपने शराबबंदी की बात करी, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, आपने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदने की बात करी। जो मुख्य घोषणा पत्र में 5 साल में अब सरकार बनने के पहले आपने जो वादा किया था उन वादों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, और बजट के लिए आप आम लोगों से चर्चा की बात कर रहे हैं, और वो भी जब बजट का लगभग पूर्णता की ओर है, और ऐसे समय में ये बात कहना कि हम बजट के लिए आम जनता से चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है ये भ्रमित करने का काम और भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। जिन मुद्दों पर उन्होंने जनता से भी राय ली थी उन मुद्दों को आज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है कि भूपेश सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी कार्यकाल का, और छत्तीसगढ़ की जो जनता है काफी उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार से, लेकिन बजट अभी पेश होने में वक्त है, राय शुमारी की जा रही है, मंत्रियों से चर्चा हो रही है, उस पर विपक्ष ने यानी कि बीजेपी ने निशाना साधा। इसी पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान रायपुर स्टूडियो से चर्चा के लिए मौजूद हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डीएनएन पर। राजीव जी, जो आरोप लगाए गए हैं प्रदेश सरकार पर कि ये एक महज दिखावा है कि आम जनता से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर राय शुमारी की जा रही है, महज एक दिखावा है, जबकि बजट तो पहले से ही तैयार होता है, तो कांग्रेस का तो यह कहना है कि उन्हें कैसे पता कि बजट पहले से तैयार है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तो लगभग एक साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है भूपेश सरकार का, तो बीजेपी को क्या कुछ आपत्तियां हैं बजट को लेकर? अगर मैं पूछूं तो पिछले साल भी बजट पेश कर चुकी है सरकार। अगर ये हकीकत में ऐसा होता जी, काश सही में ऐसा इंप्लीमेंट किया जाता, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार आई थी बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ आई थी और उनके बहुत बुलंद वादे थे, गंगा की जल लेकर भी वादे किए गए थे, वादे तो किए गए थे धरती मां की कसम खाकर वादे किए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी वादे किए गए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर वादे जो है वो सिर्फ वादे ही सिद्ध हुए, कोरी बकवास ही सिद्ध हुई, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने का मामला हो, चाहे जो है कर्ज माफी जो आंशिक रूप से की गई पूरी तरह से नहीं की गई, या किसानों के धान खरीदी का मामला हो, या अपराध को कम करने का मामला हो, सारी की सारी बातें सिर्फ कोरी बकवास और रफ्फास सिद्ध हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये जो आप नौटंकी दिखावा कर रहे हैं कि हम जनता से फीडबैक ले रहे हैं, तो ये कुछ नहीं है, केवल भ्रमित करने वाली बात है।
कांग्रेस पार्टी अंकुश जी के पहले भी कहती थी कि हम नरवा घुरवा बाड़ी पे काम करेंगे। क्या हुआ घुरवा का, जो आप देखेंगे बंदी गृह बना दिया गया है, जो गौठान हुआ करता था उसे बंदी गृह बना दिया गया है, वहां पर मर रही है गौ माताएं या गौवंश जो है। दूसरी बात है अंकुश जी जो ये कहते थे कि हम शराबबंदी करेंगे, कहीं आता पता नहीं है। विकास की बात करते थे, एक इंच दीवार नहीं बनाई गई, एक इंच एक फुट की सड़कें नहीं बनाई गई। तो ये तो लाजमी है कि जो हमारी जो 15 वर्ष में जो सरकार ने विकास के काम किए थे उससे हम बहुत पीछे जा रहे हैं और वापस पुरानी ओर मुड़ रहे हैं। तो ये दुख है जनता का, ये दुख है भारतीय जनता पार्टी, हमारे मूणत जी ने इस पर दुख व्यक्त किया है कि बजट तो आप बना चुके हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है ये केवल छलावा है। और बहुत सही भी है क्योंकि जो अंदर खाने की बातें जो छन छन कर आती है कि लगभग बजट इनका तय हो चुका है, ये जनता को सांत्वना देने के लिए एक तरीका है और कुछ नहीं है जी। लेकिन पिछले साल जब बजट पेश किया था, बजट भाषण में सीएम बघेल ने कहा था कि लगभग हमने 20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है, उसके अलावा 400 यूनिट बिजली के उपभोक्ताओं का जो बिल था उसे हाफ कर दिया गया है, इसके अलावा भी कई योजनाओं का जिक्र किया था, विधायक निधि में बढ़ोतरी कर दी गई थी। तो उससे भी क्या बीजेपी संतुष्ट नहीं है, चूंकि अब एक साल होने वाला है, अब दूसरा बजट पेश होने वाला है। हाँ, दूसरे बजट में देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि जो पहले बजट में भी जो प्रावधान किए गए थे, लेकिन विकास तो मूल रूप से या जमीनी हकीकत से काफी दूर है, वो कागजों में है, वो कागज से वो मैदान में दिखे, वो फील्ड में दिखे तब तो बात बनेगी, लेकिन ये जो विकास काम है। और ऊपर से मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की एक नई परंपरा शुरू हो गई है, उसमें बहुत सारी खरीदी की जा रही है जिसमें पारदर्शिता नहीं है, जो स्कैम हो रहा है आबकारी का, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, जो विवादास्पद अधिकारी है उनको वापस उन्हीं कुर्सियों पर बैठा दिया गया है। और एक बात, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बात चल रही थी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे बुनियादी रूप से हम वापस पीछे जा रहे हैं। तो सारी समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर है, और अगर ये चुनावी वादों को पूरा नहीं करते, छत्तीसगढ़ के 36 वादे करकर जो ये सरकार आई थी, तो हम वापस सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी सीएए पर हालांकि मुद्दा नहीं है, सीएए के बात को लेकर कांग्रेस पार्टी वर्किंग एक्शन दिखती है, वो लोगों को बड़गलाती है, लेकिन विकास के काम को लेकर गंभीर नहीं दिखलाई देती है। तो अंकुश जी यही बात है कि बजट का आने वाला समय है, अगर आप सही में फीडबैक ले लेते तो अच्छी बात होती, वरना ये नाटक और नौटंकी साबित ना हो। वर्मा जी, प्रदेश सरकार में दिखावा कर रही है, आम लोगों को भ्रमित कर रही है, बजट पहले से ही तैयार हो चुका है, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, बीजेपी लगा रही। कुछ दिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकतांत्रिक परंपरा और अधिनायकवाद का जो फर्क है, जो मूल भेद है दोनों में, छत्तीसगढ़ की जनता समझ भी रही है और जान भी रही है। जिस प्रकार से एक साल के सुशासन में कांग्रेस सरकार के दौरान अभी ये आरोप लगा रहे थे कर्ज माफी को लेके, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 11,000 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के और 6,000 करोड़ रुपया राष्ट्रीयकृत बैंकों के, 17,000 करोड़ रुपया आते ही भूपेश सरकार ने किसानों के, जो 70% किसान है छत्तीसगढ़ के, उनको त्वरित लाभ देते हुए उनको कर्ज से मुक्ति प्रदान की। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया धान खरीदी, तो पहले साल में बजट का 37,000 करोड़ रुपया सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचा, लाभ मिला, जिससे उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि हुई। और जो अर्थव्यवस्था की बदहाली भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में पूरे देश जिससे जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता हमारे विकास के केंद्र में छत्तीसगढ़ की जनता है, उन 2.5 करोड़ जनता को कैसे लाभान्वित किया जाए, यह सोचकर प्रत्येक कदम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ले आ रही है। विगत एक साल की हम रिपोर्ट देखें और उसके पहले के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तुलना करें, तो मैं अभी हाल ही में विगत सत्र में अंकुश जी 17-18 वर्ष का कैग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि 40% राशि, लगभग 80,000 करोड़ का बजट था, उसमें 40% 49,000 करोड़ रुपया बजट में खर्च ही नहीं किया गया। उसमें मेन महिलाओं की एक विकास के लिए जो योजनाएं बनी थी, जो आदिवासी क्षेत्रों में जो सड़कें बननी थी, जो युवा कल्याण में, तो 90% राशि खर्च नहीं की गई। तो निश्चित रूप से अधिनायक बात के चलते भारतीय जनता पार्टी में वो केवल वही योजनाएं हमको अमली जामा पहनाया जाता था जिसमें बड़ी राशि कमीशन खोरी के
भेंट चढ़ के इनको पाइपलाइन के द्वारा फीडिंग होती थी, जिस प्रकार से घटिया स्काईवॉक इनके विकास के मानक हो सकते हैं, घटिया एक्सप्रेसवे इनके विकास के मानक हो सकते हैं, मोबाइल स्तरहीन मोबाइल और चरण पादुका जैसे भ्रष्टाचार की योजनाएं इनके लिए विकास हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के राज में नरवा गरवा घुरवा बारी पर ये आरोप लगा रहे। तो मैं बता दूं आयुष जी कि 2000 गौठान पहले साल में तैयार हैं, छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 पंचायतें हैं, 5 साल में गौठान तैयार हो जाएंगे। जो मूल हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, एक फसली ज्यादा भूमि है, सिंचित भूमि कम है, तो जो आखिरी जो बारिश नहीं पड़ने से, जो नवरात्रि और पितृपक्ष के समय में आखिरी बारिश नहीं होने से जो अकाल पड़ता है, उसको बचाने के लिए जो जो हमारी योजना है नरवा की, जो नरवा को संरक्षित करने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से सिंचित क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा। और गौठानों की जो समस्या है, जो मवेशी जो बाहर घूमते हैं उनसे भी निजात मिलेगी, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गौ सेवा के नाम पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो गायें मार दी जाती थी, दूर का उदाहरण है, हजारों गायें वहां पे चारे के नाम पे उनको एनजीओ के माध्यम से पैसा पहुंचता रहा, लेकिन ना चारा दिया गया बल्कि चमड़ी और हड्डियां तक बेची जाती रही। तो ऐसी योजनाएं हमको नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में सुशासन जनता की समृद्धि के लिए हमारी प्राथमिकता है कि जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे केंद्र में है, और रोजगार कैसे जनरेट करे उस पर सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो बजट होगा उसके लिए विभागवार अभी बैठकें आयोजित की जा रही है, हमारे जो मंत्रीगण हैं वो भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और जिस प्रकार से हमारा घोषणा पत्र तैयार किया गया था, लगभग 1,00,000 लोगों से सलाह ली गई थी, उसी प्रकार से ये लोगों के हित के लिए लोगों की प्राथमिकताएं पूछी जा रही है कि बजट में किस प्रकार से प्रावधान किया जाए ताकि कृषि स्वास्थ्य। मेरा वही सवाल था वर्मा जी कि जब पहले से ही प्रदेश सरकार को पता है, सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले ही पता था कि ये समस्याएं हैं प्रदेशवासियों की, तो अब क्यों राय ली जा रही है जब पहले से ही प्रदेश सरकार को पता है कि हमें किस किस तबके के लिए कौन कौन सा काम करना है और कहां कहां जरूरत है, तो फिर राय लेना ये कहां तक कैसे देखें? निश्चित रूप से हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, हमारी घोषणा पत्र है, 36 वादे किए गए थे हमारे विधानसभा के घोषणा पत्र में, जिसमें 22 बड़े वादे जो टाइम बाउंड थे उनको मिलाकर 1 साल के अंदर कर लिए गए। निश्चित रूप से वो घोषणा पत्र हमारे काम के ब्लूप्रिंट है, लेकिन उसमें और बेहतर ढंग से किस प्रकार से काम किया जाए उसके लिए जनता से सलाह जरूरी है। हमारा यह मानना है कि लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप अगर जनता की बेहतरी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए कुछ अगर इनपुट वहां से मिलते हैं तो वो लिया जाना चाहिए। जी, पिछली बार बजट पेश करते वक्त वर्मा जी सीएम ने कहा था कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है और 1 साल के अंदर हम उसी दिशा में काम करेंगे, सुराजी योजना इस संबंध में शुरू की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं वर्मा जी आपसे कि अब 1 साल का वक्त होने वाला है, अगर पिछले बजट की हम बात करें तो गांव की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं 1 साल में? अंकुश जी, जिस प्रकार से धान की खरीदी जी, जो फसलों का लागत मूल्य जिस प्रकार से बढ़ा है, 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान की खरीदी हमारे घोषणा पत्र में हमने वादा किया था, विगत वर्ष भी हमने 2500 रुपये में धान की खरीदी की, इस बार तमाम अवरोधों के बावजूद केंद्र सरकार से स्पष्ट निर्देश मिलने के बावजूद लिखित आदेश आया कि 1815 से ऊपर की अगर राशि किसानों को दी जाती है तो केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदा जाएगा। उसके बाद भी भूपेश सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया है कि प्रत्येक किसान से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की धान की खरीदी होगी, 2500 रुपए समर्थन मूल्य उनके खातों में दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो नरवा गरवा घुरवा बारी हमारी योजना है, उस गोठान के माध्यम से महिला समूहों को वहां पे काम मिलना प्रारंभ हुआ है, जिस प्रकार से वहां खाद बनाए जा रहे हैं, और दिवाली में अभी हमारी बहनों ने वहां पे दिया बनाकर बेचने का काम किया है, और उससे जो संबंधित विभाग है, पंचायत है, कृषि है, सहकारिता है, उनको कनेक्ट किया जा रहा है और उसके माध्यम से गांव में रोजगार जनरेट हो रहे हैं, और निश्चित रूप से खुशहाली और खासकर सिंचाई को लेकर भी बड़ी योजनाएं अभी बनाई जा रही हैं, और प्रत्येक गांव में जो छोटे नाले हैं उनके संरक्षण का काम भी प्रारंभ हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की खुशहाली का जो रास्ता है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही मजबूत होगा, और उसी दिशा पे कांग्रेस सरकार काम कर रही है। राजीव जी, चूंकि अब 1 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है प्रदेश सरकार को, और उपलब्धियां क्या हैं वर्मा जी ने अभी आपके सामने ही गिना दी हैं, और मेरा सवाल यही था कि अर्थव्यवस्था
ग्रामीण इलाकों की मजबूत करना लक्ष्य था और उस दिशा में पिछले एक साल में क्या कुछ कदम उठाए हैं प्रदेश सरकार ने बजट पेश करने के बाद से, उसका जिक्र वर्मा जी ने यहां पर किया है। अब अगर छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है वाकई में, तो फिर बीजेपी का आपत्ति क्या है, क्यों आपत्ति उठा रही बीजेपी? देखिए छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ के जनमानस और जो ग्रामीण लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी को 15 साल से जो सुशासन था उससे व्यापक अच्छा काम करेगी एक मैंडेट दिया था 3/4 मेजोरिटी का, लेकिन वहां छत्तीसगढ़ की सरकार जहां बातें हो रही थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की, जहां बातें हो रही थी कि किसानों को आगे बढ़ाने की और महिलाओं को, गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने की, उसकी जगह अंकुश जी दुर्भाग्य से शराब के नए नवेले तबेले बना दिए गए। जो शराब कहीं केवल दुकानों में बनाए जाते थे, गांव गांव में लोगों को सामूहिक रूप से शराबी बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। जहां जहां शराब आसानी से उपलब्ध नहीं था, हर कोने में शराब की नदियां बहाई जा रही है। ये अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा था, जो कैग ने रिपोर्ट में कोई गलती, छोटी मोटी विसंगतियां को छोड़ कोई गलती नहीं पाई, और जो तीन मैंडेट मिला भारतीय जनता पार्टी को हवा में नहीं मिला, तो लोगों ने काम देखा। जो बीमारू राज्य छत्तीसगढ़ था, जो दुखी राज्य छत्तीसगढ़ था, उस राज्य को उन्नत राज्य के रूप में अगर किसी ने खड़ा किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। जहां कॉलेज बने, स्कूल बने और दशा और दिशा बदली किसानों की, सहकारिता के क्षेत्र में काम हुए, बैंकिंग के क्षेत्र में काम हुए, लेकिन अभी ये सरकार आने के बाद अंकुश जी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया। रोज नए नए अपराध हो रहे हैं, सरकार के नेताओं के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं, शराब की नदियां बहाई जा रही है और गांव गोठान में कोई काम नहीं हो रहा। सारे काम केवल इनके जो डीएवीपी है वहां पे काम हो रहा है, जो इनके जनसंपर्क विभाग वाले जो किताबें छाप रहे हैं उस किताबों में, और कांग्रेस के नेताओं के घर में जो पुस्तिकाएं वहां पर विकास हो रहा है। जनता को कोई विकास नहीं हो रहा है और जनता दुखी है। समझ जाए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र से चुनी पार्टी है और जनता के लिए काम करें, जो वादे किए गए थे उस पर संज्ञान लेकर उस पर काम करें, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है और जनता बड़ी दुखी है। टैक्स माफी की बात की थी कि जब हम सरकार में आएंगे, आज तो एक साल गुजर चुका है, प्रॉपर्टी टैक्स बंद कर देंगे कहते, कहां गए प्रॉपर्टी टैक्स का वादा, शराबबंदी का वादा किया गया था, बहुत सारे गुड गवर्नेंस की बातें की गई थी। आज भी छोटी छोटी काम के लिए बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया था, ऑनलाइन सारा सिस्टम ले आया था। तो ये बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी बातें कुछ करती है, धरातल पे कुछ और हो रहा है। जी दो सवाल रहेंगे वर्मा जी मेरे आपसे। पहला सवाल तो ये है कि शराबबंदी का जो जिक्र अभी राजीव जी ने किया, ये एक साल से विपक्ष इस बात को लेकर हर बार सामने आता है कि शराबबंदी का वादा किया था वो अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरा एक सवाल जो राजीव जी ने उठाया है कि छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, तो ये काफ़ी सवाल दिलचस्प है मेरा कि त्रस्त हो चुकी है, कैसे त्रस्त हो चुकी है? उपचुनाव में आप जीते, निकाय चुनाव में आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लोकसभा चुनाव की अगर छोड़ दिया जाए तो हाल ही में ये जो ताज़ा नतीजे निकल कर सामने आए हैं, तो ये जनता किस तरह से त्रस्त हुई है कि आपको सत्ता पर काबिज भी कर दिया प्रदेश में, निकायों में भी बैठा दिया, उपचुनाव में भी जिता दिया, ये कैसे समझे? दो सवाल है। जवाब सुन लेते राजीव जी, मैं आपको अंकुश जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता समझ भी चुकी है और जान भी चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मुखौटा है वो उतर चुका है, इनके नेता बेनकाब हो गए हैं। जो चाउर वाले बाबा बन के घूमते थे, धान और नान इनके कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा था, किस प्रकार से 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बनाकर गरीबों का 36,000 करोड़ का राशन खाया गया, किस प्रकार से अंतागढ़ में षड्यंत्रकारी चेहरे इनके थे, वो सारे बेनकाब हो गए हैं। जहां तक ई टेंडरिंग पारदर्शिता की बात करते हैं, एक ही कंप्यूटर से 5,000 करोड़ का ई टेंडर भरा जाता था, वो भी जनता के सामने है। ये छवि चमकाने की बात करते हैं, जनसफर की बात करते हैं, तो डेटा पेश करना चाहूंगा अंकुश जी। वर्ष 17-18 में जनसंपर्क का बजट 250 करोड़ का था। रमन सिंह जी की इमेज चमकाने के लिए, छवि चमकाने के लिए, पोस्टर से लादने के लिए विकास यात्रा के नाम पर 450 करोड़ से ऊपर की छत्तीसगढ़ के खून पसीने की कमाई लुटा दी गई।
जहां ये शराबबंदी की बात करते हैं अंकुश जी, जो हमारे घोषणा पत्र में जो हमने जनता से वादा किया था, आज हम आज उस पर हम आज भी कायम है, एक एक वादे पूरे किए जाएंगे। 5 साल का कमिटमेंट है, 5 साल के लिए हमको जनादेश मिला है, और शराब के कोचियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई। नहीं, आप गंभीर रहते हैं, नई दुकानें क्यों खोली जा रही है, यार बीजेपी लगा रही है, नई दुकानें हर गली मोहल्ले के बाहर दुकानें दिखाई दे रही है। 53 दुकानें हमने पहले साल में बंद किया है, 15% गिरावट आई है। सुन लीजिए, अभी अभी कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष अभी रंगे हाथ पकड़ाए हैं, शराब कांग्रेस के लिए करते हैं, दूसरे राज्यों से शराब ला के बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। अब जी राजीव जी बोलिए, समय की कमी मेरे पास, जल्दी जी। अंकुश जी, कांग्रेस के संरक्षण में शराब की नदियां बहाई जा रही है, शराब कवर्धा में शराब, और जो कांग्रेस के लोग बैठे गए, कोई कार्रवाई नहीं है। पार्टियों की बीपी संरक्षण में बलवंत योगी कांग्रेस के विधायक हमको छुड़ाने का थाने में कांग्रेस का पहले भी ऐसा चरित्र रहा है कि सरकारी संरक्षण में बल प्रयोग कर धन बल के द्वारा अवैध काम करती है, तो ये काम नहीं करना चाहिए, जनता इससे त्रस्त हो जाती है, समझ जाए, नहीं तो 5 साल बाद फिर परीक्षा देना है। चलिए वर्मा जी, आखिरी कमेंट। में यहाँ के धर्मों का जो कमीशन खोरी के चलते सुशासन में निश्चित रूप से शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी हुई है, रोजगार के अवसर मिले, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, रोजगारी भत्ता का क्या हुआ, छात्र पूछ रहे हैं का बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, एक एक रोजगार जनरेट कर रहे हैं, रोजगार का क्या हुआ, कर रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड आप लोगों ने बंद कर दिया, भटक रहे हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बदहाल है, उसका क्या हुआ, जनता पूछ रही है, 20 लाख तक का इलाज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को मुहैया करवा रहे हैं, और इस प्रकार जो गली गांव में जो अपराध हो रहा है, अपराध में कटौती हुई है, अपराध में कटौती हुई है जी। चलिए बहरहाल, समय की कमी, आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि बजट पर जारी राय शुमारी आने वाले वक्त में आम लोगों से जो राय शुमारी की जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कितनी राय आम जनता की प्रदेश सरकार लेती है उस और कितना आने वाले वक्त में काम किया जाता है, और जो राय जनता पेश करेगी प्रदेश सरकार के सामने उस राय को अमली जमा पहनाने के दिशा में कितने बजट का प्रावधान होता है, उसमें कितना काम होता है, ये भी एक दिलचस्प बात देखने वाली होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।